नमस्कार दोस्तों, आज है 4 जून 2019, जिसका हम देखेंगे मध्य प्रदेश प्रतिदिन करंट अफेयर्स। उक्त वीडियो मध्य प्रदेश की आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हमारे द्वारा एक मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान और मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है MPGK Exam Dash, जहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं और मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स आधारित टॉपिक भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं हम इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। भगवान बुद्ध के जीवन दर्शन पर आधारित देश का पहला इंटरनेशनल पार्क कहाँ तैयार हो रहा है? भगवान बुद्ध के जीवन दर्शन पर आधारित देश का पहला इंटरनेशनल पार्क सांची में बनकर तैयार हो रहा है और इसकी डिटेल देखते हैं हम। देशी विदेशी पर्यटनों को लुभाने के लिए सांची स्तूप की पहाड़ी के नीचे 17 एकड़ जमीन में 17 करोड़ रुपए की लागत से भगवान बुद्ध के जीवन दर्शन पर आधारित देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय पार्क तैयार हो रहा है। आपको पता है कि सांची रायसेन जिले में आता है। मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा निर्माण इसका किया जा रहा है और 1 अक्टूबर 2019 से इस पार्क को पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। मध्य प्रदेश में उप क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? मध्य प्रदेश में उप क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र की स्थापना जो की जाएगी वह उज्जैन में की जाएगी। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई है 3 जून 2019 को, इसमें उज्जैन में उप क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र की स्थापना करने का निर्णय मध्य प्रदेश शासन द्वारा लिया गया है। केंद्र की स्थापना का संचालन मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के द्वारा किया जाएगा। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश मंत्री परिषद ने छतरपुर में कितने हेक्टेयर रकबा वन भूमि क्षेत्र में स्थित हीरा खदान को नीलाम करने का निर्णय लिया है। ये अभी छतरपुर में एक हीरा खदान मिली हुई थी वन भूमि क्षेत्र में, उसे 364 हेक्टेयर एरिया था, उसको नीलाम करने का निर्णय मंत्री परिषद की बैठक 3 जून 2019 को लिया गया है। इस क्षेत्र में 34.20 मिलियन कैरेट हीरा खनिज के भंडार आकलित किए गए हैं। इसका अनुमानित भंडारण मूल्य 60,000 करोड़ रुपए है और नीलाम में मध्य प्रदेश राज्य के हित में दो नई शर्तें को भी जोड़ा गया है। इसकी शर्तें क्या है भाई, हम देखते हैं। इसमें प्रथम शर्त है कि नीलाम मध्य प्रदेश में ही होगा और प्रथम नीलामी के बाद पट्टाधारी कहीं भी निर्यात एवं विक्रय करने के लिए स्वतंत्र रहेगा, यह शामिल किया गया है। खनिज विभाग को नीलाम की कार्रवाई शुरू करने का और केंद्र शासन से आवश्यक अनुमतियां प्राप्त करने के लिए अधिकृत किया गया है। मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद ने पेंशनरों परिवार पेंशनरों को महंगाई राहत में वृद्धि के आदेश किस अधिनियम की धारा अंतर्गत छत्तीसगढ़ शासन की सहमति को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। आप इस क्वेश्चन को देख रहे होंगे और इसका जो आंसर है कि मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 के अंतर्गत अब छत्तीसगढ़ शासन से जो अविभाजित पेंशनर परिवार पेंशनरों को महंगाई राहत में यदि वृद्धि के आदेश हमारी मध्य प्रदेश शासन द्वारा दिए जाते हैं तो उसके लिए छत्तीसगढ़ शासन से सहमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इसके लिए मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 के अंतर्गत उसे समाप्त करने का निर्णय मंत्रिपरिषद की बैठक 3 जून 2019 को लिया गया है। दोस्तों, इसके और डिटेल देखते हैं हम। जो 3 जून 2019 को मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी उसमें मध्य प्रदेश लोक सेवा जो अनुसूचित जातियां हैं, अनुसूचित जनजाति हैं और OBC पिछड़ा वर्ग है, और उसमें संशोधित अध्यादेश 19 का भी अनुसमर्थन किया, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की प्रतिशत बढ़ाकर 27% करने का निर्णय लिया गया है। अभी OBC को 14% आरक्षण मिल रहा है, इसमें हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। और मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में जो 3 जून 2019 को मंत्रिपरिषद की बैठक हुई है उसमें शासकीय सेवकों को लाभ दिया गया है। इसमें 1 जनवरी 2019 से 3% महंगाई भत्ता बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इसमें स्थायी कर्मी, पंचायत सचिवों और पेंशनर और पेंशन परिवार, मतलब जो परिवार पेंशनर हैं, उसके सातवें वेतन में महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा। इससे मध्य प्रदेश के 7 लाख शासकीय सेवक एवं 4.5 लाख पेंशनर को लाभ मिलेगा। जबलपुर उच्च न्यायालय ने शिवराज सरकार की कितनी अवैध कॉलोनियों को वैध कॉलोनी करने के निर्णय को पलट दिया है। दोस्तों, एक निर्णय लिया गया था शिवराज सरकार द्वारा अवैध कॉलोनियों को वैध करने का, उसमें से 4,264 कॉलोनी को निर्णय पलट दिया है, यानी इतनी अवैध कॉलोनी को वैध करने का निर्णय लिया गया था शिवराज सरकार द्वारा। और यह जबलपुर उच्च न्यायालय ने
पलट दिया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच ने पूर्ववर्ती शिवराज सरकार के उस फैसले को पलट दिया जिसमें अवैध कॉलोनियों को वैध किए जाने का प्रावधान किया गया था। हाईकोर्ट ने इस निर्णय के बाद अब मध्य प्रदेश की 4,264 ऐसी कॉलोनियां फिर से अवैध हो गई हैं जिन्हें शिवराज सरकार ने वैध कर दिया गया था। इसके बारे में और डिटेल देखते हैं दोस्तों। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अवैध कॉलोनियों को वैध करने का फैसला गत 8 मई 2018 को लिया गया था और इसकी शुरुआत ग्वालियर से की गई थी। हाईकोर्ट ने जो वैध कॉलोनीजीकर अधिनियम है उसकी धारा 15(a) को समाप्त कर दिया गया है और सरकार के इस फैसले के खिलाफ उमेश बोहरे नामक व्यक्ति ने ग्वालियर हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई थी। उसके बाद जबलपुर हाईकोर्ट की बेंच ने जो है वो सुनवाई शुरू की थी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अवैध कॉलोनियों को बसाने के लिए जिम्मेदार अफसरों को सर्कल के डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, RI और अवैध कॉलोनाइजर के खिलाफ भी निगम की धारा 292 के तहत कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। दोस्तों 3 जून 2019 के वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था जिसका आंसर आपको बताना था कमेंट करके, तो उसका हम पहले देखते हैं कि मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को वर्ष 2019 में कौन सा अवार्ड मिला था। आपके द्वारा कमेंट किए गए हैं दोस्तों और इसका आंसर आपके द्वारा बताया गया है APG अब्दुल कलाम अवार्ड, जो कि सही है और 2019 में इन्हें APG अब्दुल कलाम अवार्ड मिला था शिवराज सिंह चौहान को। देखते हैं हम दोस्तों आज 4 जून 2019 का टुडे क्विज में इसका कमेंट करके आंसर बताना है कि मध्य प्रदेश की किस स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को वन ग्लोब अवार्ड फॉर एक्सीलेंस अवार्ड मिला है। तो इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं, ग्वालियर स्मार्ट सिटी, जबलपुर स्मार्ट सिटी, इंदौर स्मार्ट सिटी और भोपाल। इसमें से एक आंसर इसका सही है, उसका कमेंट करके आंसर बताना है दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो हमारा मोबाइल ऐप है MP GK एग्जाम डेस्ट करके, उसमें PDF अपलोड हो जाएंगी और उसमें अति शीघ्र सबसे अधिक डेटा जो है वो अपलोड हो जाएगा और हमारे career-academy.com पर भी अपलोड होगा दोस्तों और उस पर भी होगा, लेकिन उसमें एक ही जगह आपको MP GK और करंट अफेयर्स मिल जाएगा दोस्तों। और बहुत शानदार ऐप है और इसका हम जल्द ही अपडेट वर्जन जो है वो अपलोड करने वाले हैं। तो हमारा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक और जरूर कर दिया करें, कमेंट जरूर किया करें, शेयर जरूर कर दिया करें दोस्तों। आपको पुनः एक बार हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।